टीवी की संध्या बिंदनी यानी कि एक्ट्रेस दीपिका सिंह लंबे वक्त के बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं, वो भी कलर्स टीवी के नए शो मंगल लक्ष्मी के साथ। इस शो में दीपिका एक साधारण महिला का किरदार निभाएंगी जो अपनी बहन के लिए एक सर्वगुण संपन्न एक नेक लड़के की तलाश में है ताकि उसकी बहन का शादीशुदा जीवन बेहद खुशहाल हो सके। देखा जाए तो इस शो के साथ लंबे वक्त के बाद दीपिका टीवी पर वापसी कर रही हैं। ऐसे में शो के पहले एपिसोड के ऑन एयर होने से पहले दीपिका ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया है कि आखिर इस शो को उन्होंने क्यों चुना और इतना लंबा वक्त उन्हें क्यों लगा कमबैक करने में। बॉलीवुड लाइफ से खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने कमबैक टेलीविजन शो के लिए मंगल लक्ष्मी को ही क्यों चुना, इस पर दीपिका ने जवाब में कहा, मुझे मंगल का किरदार असल में पसंद आया। पिछले 6 महीने से मैं टेलीविजन में अच्छे मौकों की तलाश में थी। जो भी भूमिकाएं ऑफर की गई उनमें से मेरे लिए मुझे वास्तव में मंगल का किरदार पसंद आया। संध्या का किरदार निभाने के बाद मुझे हमेशा कठिन भूमिकाएं पेश की गई। हालांकि जब मुझे पता चला कि मंगल एक नरम दिल किरदार है तो मुझे हैरानगी हुई कि मेकर्स मेरे बारे में सोचते हुए क्या कर रहे हैं। मैं अपने मैनेजर से जांच करती रही कि क्या शो असल में मुझे ऑफर किया जा रहा है। सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैंने सोचा कि एक एक्टर के रूप में कोई भूमिका असल में मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होगी। मुझे कम से कम उम्मीद थी कि मुझे चुना जाएगा। आपको बता दें कि दीपिका का किरदार एक्टर नमन शॉक के ऑपोजिट नजर आएगा। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने को एक्टर नमन शॉक के बारे में बात करते हुए कहा, नमन के साथ काम करके मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। वो एक बहुत ही समर्पित एक्टर हैं और हम अक्सर इस बात पर बातचीत करने में समय बिताते हैं कि हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। मेरे और नमन के लिए स्थिति ये है कि वो मेरी तरह लंबे समय के बाद टेलीविजन पर वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस शो में दीपिका नमन शॉक के अलावा शुभम दीप्ति, विपुल त्यागी और उपाध्याय उर्वशी अहम रोल में नजर आएंगे। ये शो 27 फरवरी से रात 9 बजे के टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट होगा।